हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल चैट इज आर्टिस्ट 14 जून क्रैश या बुलरन देखते हैं चार्ट के ऊपर क्या सिग्नल्स मिल हैं गाइस वेलकम टू माय वीडियोस डिस्क्लेमर आई एम नॉट अ सेबी बी रजिस्टर्ड एनालिस्ट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली नॉन एडवाइजरी नॉन क्लेम्स राइट रिज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी पोजिशन प्लीज टेक ट्रेड एट योर ओन रिस्क ग्लोबल सेंटीमेंट न्यूट्रल टू बेरिस साइड हुए गाइस डाउज ऑन थर्टी नाइन थाउजेंड का लेवल संभाल नहीं पाया फाइव हंड्रेड पॉइंट डाउन है और एस एन पी ने बुलिश हो गया है वेरी बुलिश आई टी सेक्टर बुलिश हुआ है अपने यहाँ पे भी इंडिया में तो एक ये करेक्शन की निशानी भी हो सकती है और आप देखोगे तो यूरोपियन मार्केट वेरिश हो रहा है जस्ट मैंने एक दिन के पहले वीडियो में बताया था कि यूरोपियन मार्केट में आपको करेक्शन दिख सकता है करेंसी डाउन होगी गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो अभी ट्वेंटी थ्री फोर ट्वेंटी फाइव के आजू बाजू है बट वो गिर रहा है अभी ट्वेंटी थ्री थ्री सेवेंटी पर आ गया है अभी जस्ट आ, देखते आगे करेंसी स्टेबल है क्रूड डेट सेवेंटी एट पॉइंट सिक्सटी वन एफ आई आई डी आई एक्टिविटी गाइस एफ आई आई ने सेलिंग किया है थ्री थाउजेंड थर्टी थ्री करोड़ का और डी आई ने सेलिंग किया है फाइव हंड्रेड फिफ्टी थ्री करोड़ का तो नेट नेट दोनों ने सेलिंग किया है एफ आई और डी आई ने कल तक दोनों का बाइंग था और आज दोनों का सेलिंग है माई व्यूज में रहेगा एफ आई एंड डी आई सेलिंग तो कल देखना पड़ेगा बाइंग के पहले निफ्टी फिफ्टी ट्वेंटी थ्री थाउजेंड वन फिफ्टी का स्टेडल बुला है थ्री वीक के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ स्टेडल का मुझे लग रहा है एक डीप आके वापस मार्केट बुलिश हो जाएगा तो एक बड़ा डीप आके आके एक वीक के लिए शायद डीप आए फिर वापस स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा और वो लंबी ट्रेड होगी तो इसीलिए स्टेडल के लिए लिख रहा हूँ बैंक निफ्टी कल का है ये मार्केट बुलिश स्टिल अबोव फोर्टी नाइन थाउजेंड या साइडवेज रहेगा जब तक ये फोर्टी नाइन थाउजेंड सस्टेन कर रहा है मार्केट टू डेज़ टेक्निकल कॉन्सेप्ट एफ वी जी फेयर वैल्यू गैप वो मैंने कल लिया था मैं आज वापस उसको डिस्कस करूँगा एच डी एफ सी बैंक के लिए लिख रहा हूँ के अगर कल गिरता है तो पंद्रह सौ तेईस का लेवल भी आ सकता है और अगर ऊपर की साइड गया तो सत्रह एक टारगेट है और लॉन्ग टर्म के लिए बाईस का टारगेट है गिफ्ट निफ्टी बाईस तीन सौ है अभी अंडर प्रेशर है और एडवांसिंग डिक्लाइनिंग स्टॉक एडवांसिंग स्टॉक है वन सिक्स एट एट डिक्लाइनिंग स्टॉक है वन ज़ीरो सेवन सेवन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसी है कि आज वन सिक्सटी स्टॉक में अपर सर्किट था और लोअर सर्किट आई थिंक सिक्स या सेवन स्टॉक में ही था हाँ. तो मार्केट बुलिस ही है अभी बारिश नहीं है बट कल से शायद डिसीज़न आएगा कल से मार्केट यू टर्न ले सकता है या फिर कंटिन्यू कर सकता है तो कल का दिन एकदम इम्पोर्टेंट है गाइस कल का दिन uh, हल्के होके ट्रेड करिए काफी बड़ी पोजिशन लेके ट्रेड मत करना टेक्निकल कंसेप्ट फेयर वैल्यू गैप आगे दिखाता हूँ गाइस चार्ट पे निफ्टी फिफ्टी के एंट्रा स्विंग लेवल uh, तेईस दो सौ पैंसठ और तेईस एक सौ पैंसठ एक सपोर्ट लेवल है उसके नीचे सपोर्ट है बाईस नौ सौ ग्यारह वहाँ से रिवर्स हो सकता है मार्केट अगर वहाँ से नहीं रिवर्स हुआ तो बाईस सात सौ चौहत्तर लास्ट लेवल है वहाँ से बाउंस आना श्योर है और टारगेट अपना था तीन सौ पचास सीट हो गया टारगेट सेकेंड है छः सौ बारह मैं वेट कर रहा हूँ पाँच सौ तोड़ के छः सौ बारह तक जाए मार्केट और उसके बाद अपने पास तीन बड़े टारगेट है चौबीस हज़ार जीरो जीरो छः चौबीस हज़ार चार सौ छप्पन और चौबीस हज़ार आठ सौ चवालीस ये तीन बड़े टारगेट है मंथली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी इंटरटेन स्विंग वेट टिल ट्वेंटी जून मैंने बोला ये क्योंकि इतने भी ट्रेड आने के बाद साइडवेज जाना लाजमी है मार्केट साइडवेज जाना ही वाला ही था अभी देखते हैं इसके सपोर्ट वन फोर्टी नाइन सिक्स थर्टी थ्री सपोर्ट टू मैंने कल ही लिखा था फोर्टी नाइन फोर फिफ्टी के आजू बाजू मार्केट सस्टेन करेगा तो काफ़ी टाइम तक उसने होल्ड किया वो लेवल को फिर वो आठ सौ का लेवल दिखाया फोर्टी नाइन सिक्स सिक्स सेवन कल के लिए स्ट्रॉन्ग रहेगा सपोर्ट थ्री फोर्टी एट नाइन फिफ्टी फोर्टी एट सिक्स फोर्टी ये एक लास्ट सपोर्ट है वहाँ तक मार्केट जा सकता है रेजिस्टेंस मैंने आज दूसरा एक ऐड किया है फिफ्टी टू फिफ्टी कल के लिए अगर फिफ्टी थाउजेंड टू फिफ्टी के ऊपर चलता है मार्केट तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फाइव हंड्रेड को भी ब्रेक करे और आठ सौ पॉइंट का एक बड़ा मूव आएगा अपर साइड पर तो फिफ्टी वन जीरो फिफ्टी वन का टारगेट कल मिल सकता है या अगर कल डाउन साइड गया तो फिर हम ये अपर साइड का नहीं सोचेंगे क्योंकि टू फिफ्टी के बाद ही कॉल साइड ट्रेड लेना है टू फिफ्टी एक अभी रेजिस्टेंस बन गया है गाइस और मंथली टारगेट बड़े ही है आगे के टाइम फ्रेम में बताऊंगा कि फिफ्टी टू थाउजेंड उसके बाद में फिफ्टी फोर थाउजेंड तक का भी एक लेवल आ रहा है जो मार्केट ने लेवल ओपन किए हैं तो फिफ्टी फोर थाउजेंड भी एक लेवल आ रहा है बट तो वो अभी ट्वेंटी जून तक वेट करेंगे क्योंकि इक्विनॉक्स आ जाने दो इक्विनॉक्स के बाद ही एक डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा माई मोटो इज टू रिड्यूस नंबर फाइव परसेंट इंप्रूवमेंट कैन बी अ बिग अचीवमेंट फॉर मी लेवल्स ऑन चार्ट तो चलो गाइस देखते हैं निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं चार्ट तो ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया गाइस आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी में एक जो बड़ा चैनल था उसके नीचे थोड़ा मार्केट ने फॉल दिया आ, करीबन यह है चार से लेकर तीन बहत्तर पचास पॉइंट का करेक्शन है अभी मैं इसको आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ तो पता चलेगा वीकली टाइम फ्रेम दिखा दे रहा हूँ मैं जो एक अपना फ्लैग है फ्लैग के नीचे मार्केट अभी है बट अभी भी ये वीकली स्ट्रोंग है वीकली बारिश नहीं है वीकली बारिश कब होगा जब मार्केट तेईस हज़ार तीन सौ के नीचे चालू करेगा अभी भी सेवेंटी सिक्स पॉइंट ऊपर है तब तक ये स्ट्रॉन्ग है हाँ ये रेजिस्टेंस है तो रजिस्टर कर रहा है मार्केट बट तेईस आठ सौ अड़तालीस का एक टारगेट मिल सकता है अगर नेक्स्ट वीक में भी और अगर डाउन साइड आया तो अपना ये देखो बाईस आठ सौ का गिफ्ट निफ्टी पे लेवल आ रहा है और एक भी इन बिटवीन मैंने ये लिखा हुआ है तेईस हज़ार का तो अगर डाउन साइड आया तो भी एक बड़ा ट्रेंड आएगा और अपर साइड आया तो तेईस आठ सौ अड़तालीस फर्स्ट लेवल रहेगा उसके बाद में आगे देखेंगे ठीक है तो अभी अपने चलते हैं अपना बैंक निफ्टी पे ये हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ गए गाइस वीकली चार टाइम फ्रेम है अब देखो जब तक ये है ये हैंगिंग मैन के हेड के ऊपर है तब तक बुलिश है और ये जो ब्लैक लाइन मैंने लिखा है वो ब्रेक लेवल है ब्रेक लेवल रहेगा अपना एक मिनट में डे डे टाइम फ्रेम में जाके चेक करता हूँ गाइस फोर्टी नाइन एट हंड्रेड एक ब्रेक लेवल है आज भी उसने सपोर्ट लिया है देखिए और इसके ऊपर कल हो सकता है मार्केट यहाँ पे स्टेप ले के ऊपर चला जाए तो बुलरन आने के चांसेस है ये का भी सपोर्ट है जस्ट आप उसको बोल्ड कर लीजिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ ये पूरा सपोर्ट एरिया है ठीक है अगर मार्केट कल इसके ऊपर निकल जाता है फोर्टी नाइन नाइन हंड्रेड के ऊपर तो फिर से वापस एक बड़ा मूव दिखा सकता है और वो लेवल रहेगा फिर अपने पास ये दिखा देता हूँ कौन सा टारगेट आप ले सकते हो वहाँ तक का फिफ्टी एट एट एटी वन ठीक है इसलिए लिखा है कल मार्केट uh, क्रैश करेगा या बुल रन देगा देखो जिस तरीके से दिख रहा है अगर मार्केट इसके नीचे चलना चालू करेगा तो पहला ये सपोर्ट लेगा आपको मैं दिखा देता हूँ कल के लिए मैं देख रहा हूँ फोर्टी नाइन फोर ट्वेंटी सिक्स अगर उसके नीचे जाता है तो फिर अपने दूसरे लेवल के लिए सोचेंगे बाकी पहला तो ये लेवल ब्रेक करना चाहिए फोर्टी नाइन एट हंड्रेड उसके नीचे जाता है तो ही पुट लेना है अदरवाइज़ पुट नहीं लेना है क्योंकि मार्केट अभी भी बुलिश टेरिटरी में है और आपको निफ्टी में मैं एग्जैक्टली बता दूंगा तो आपको आइडिया आएगा कि क्यों मार्केट बुलिस टेरिटरी में है अभी तक वो बारिश हुआ नहीं है बट गिफ्ट निफ्टी ने अभी जस्ट साइन दिए हैं बट वो यहाँ से बाउंस कर लेगा तो कल अभी मंडे अपने को अरे कल अपने को अच्छा खासा एक गैप अप भी देखने को मिल सकता है वन आर के टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ गाइस दो लेवल दिखा देता हूँ एक इंडिकेटर के हिसाब से देखिए ये दो लेवल के अंदर मार्केट साइडवेज है पचास हज़ार दो सौ पचास और फोर्टी नाइन सेवन हंड्रेड ये दो लेवल के अंदर साइडवेज है तो आप साइडवेज में भी ऐसा ट्रेड करिए जब मार्केट नीचे आता है तब कॉल लीजिए और जब रेजिस्टेंस के पास पहुँचता है तो आप पुट लीजिए तो साइडवेज मार्केट में ऐसे ही पैसा बनेगा अदरवाइज प्रीमियम डी मिलेगा ठीक है गाइज़ और ये जो फेयर वैल्यू गैप्स है ये यहाँ पे जो एक ग्रीन कलर दिख रहा है ये फेयर वैल्यू गैप है तो अभी भी गैप को उसने ब्रेक नहीं किया गाइज जहाँ पे बायर ने मोमेंटम दिया है ये मोमेंटम है फोर्टी नाइन सेवन फोर्टी से मोमेंटम दिया है तो वहाँ से अभी भी मार्केट ने कोई भी करेक्शन इसके नीचे जाएगा तो आपको श्योर एक पुट ट्रेड दिखने को मिलेगा आ, तो डाउन फास्ट आएगा फिर वो काफ़ी नीचे तक आ सकता है तो वो ट्रेड को आप होल्ड होल्ड करिएगा तो बड़ा प्रॉफिट बन सकता है तो मार्केट अभी नॉन ट्रेड नो ट्रेड जोन में भी है ठीक है अगर देखा जाए तो ऐसे ठीक है इस तो देख सकते हैं मार्केट स्ट्रेडल लेने का एक ही एडवांटेज रहेगा अगर मार्केट यहाँ से इतना फॉल दे भी देगा अगर ये फॉल दे भी देगा तो नेक्स्ट टाइम मार्केट इससे डबल बाउंस करेगा इधर से मार्केट डबल बाउंस करेगा और इधर तक जाएगा तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है तो इसके लिए रेडी रहिए और मार्केट में अगर ये फिर सपोर्ट सस्टेन नहीं करेगा बड़ी चैनल का तो फिर एक क्रैश सिचुएशन हो सकती है बट अभी फिलहाल मार्केट बुलिश टेरिटरी में है तो यहाँ तक अभी फोर्टी एट एट हंड्रेड के नीचे ही मार्केट में क्रैश आएगा तो टेंशन मत लीजिए फोर्टी एट एट हंड्रेड के नीचे हम देखेंगे बड़ा करेक्शन अभी फ़िलहाल मार्केट बुलिश टेरिटरी में है तो बुलिश साइड सोचेगा बरिस मत सोचेगा हाँ ग्लोबल सेंटीमेंट में बेरिशनेस है डाउजोन थोड़ा करेक्शन कर रहा है और निफ्टी ने अभी करेक्शन चालू किया है तो देखते हैं गाइस कल क्या होता है मार्केट के सेशन में उसके बाद हम मंडे अच्छा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम थोड़ा डिसाइजिंग हो जाएगा फिर मार्केट और उस साइड में डायरेक्शनल ट्रेड के लिए प्लान करिए चलो भाई साहब चलते हैं निफ्टी फिफ्टी के ऊपर निफ्टी फिफ्टी का चार्ट देख लेते हैं जैसे मैंने बताया आपको देखो ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है अभी मैं आपको बताता हूँ ये जो रेजिस्टेंस लाइन है मार्केट ने जितनी भी बार ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर गया है ब्लैक लाइन के ऊपर देखो यहाँ पे ट्विज़र टॉप बना के गिरा था फिर यहाँ पे इवनिंग स्टार बना के गिरा था वापस इवनिंग स्टार बना के गिरा था और इस बार इसने हैंगिंग मैन बना के गिराया था बट अभी अगर आप देखोगे तो चार सेशन हो गए गाइस मार्केट गिरा नहीं है मतलब मार्केट अभी बुलिस टेरिटरी में और बुलिस बुल्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं और नीचे अगर आप देखोगे फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे जो मेरा कंसेप्ट है टेक्निकल कंसेप्ट का ये फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे यहाँ से लेके के यहाँ तक ये अपना फेयर वैल्यू गैप है ये ब्लू लाइन जो मैं कर रहा हूँ ये पूरा गैप है मतलब बाईस हज़ार नौ सौ से लेके तेईस दो सौ बीस ये पूरा बुलिश एरिया है, है तो इनके अंदर जब भी मार्केट आएगा बाउंस करेगा या तो फिर यहाँ पे एक्यूमलेशन होगा फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा ठीक है गाइस तो जब तक मार्केट है यहाँ इसके ऊपर है बुलिश है इसके नीचे जाएगा तो ही हम बाईस नौ सौ के नीचे ही क्रैश के बारे में सोचेंगे तब तक मार्केट में क्रैश नहीं आएगा तो अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सभी रिटेल ट्रेडरों को भे, भी भेजिए जिससे हम उनका लॉस कम कर पाए थैंक यू